ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये बहुत ही जल्दी मार्केट में आ जाएगा 499। मुझे 2 से 2.5 साल हो गए बाइक टैक्सी चलाते हुए और पिछले 2-2.5 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही लाजवाब है। मोर देन 600 वीडियोस में बना चुका हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ मोर देन 600 वीडियोस और आप लोग संग शेयर कर चुका हूँ। बड़ी खुशी होती है कि आज मेरे संग मेरे 19,000 होने वाले सब्सक्राइबर, इतने लोग जुड़े हुए हैं, वो एक विश्वास की वजह से ही है कि मैं आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता हूँ, चाहे ओला उबर रैपिडो हो, बाइक टैक्सी हो, या कुछ भी अर्निंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत, ठीक है, या फिर मोटर ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ओला ने हाल फिलहाल एक स्कूटी लॉन्च की है, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो उसी के बारे में बात करेंगे विदाउट एनी डिले। चलो स्टार्ट करते। Go for your passion and live for your dream. Hey दोस्तों, welcome back to the channel. मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ, स्वागत करते हैं एक न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि ओला जो है वो टैक्सी में चलती है, लेकिन कुछ लोगों को अभी जो है मुश्किल से हमारे इंडिया में सिर्फ 2 से 5% ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि वो बाइक टैक्सी भी चलाती है, यानी ओला का टू व्हीलर भी चलता है जो कि सवारी ढोने का काम करती है। ये बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि जब मैं कोई ऐसे जगह पे जाता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ ना कि मैं ये वाला चीज़ करता हूँ, इससे पैसे भी आते हैं मेरे को, चाहे मैं पार्ट टाइम चलाऊँ या फुल टाइम, और मैं बाइक चला के पैसे कमा लेता हूँ, तो लोग विश्वास नहीं करते कि ऐसे भी कोई चीज़ होता है। तब वो मेरे राइड देखते हैं, तब उनको लगता है अरे ऐसा होता है, मैंने हाँ बिल्कुल होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए और ओला ने क्या किया, अभी रिसेंटली एक लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि आने वाले टाइम पे आपको मार्केट में दिखेंगी, और इसका जो प्राइस रखा है 499, ओला के वेबसाइट पे जाके आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और जो कि रिफंडेबल है। ये 499 रुपये आप देंगे ऑनलाइन, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ 499 सबमिट करें, सबमिट करने के बाद आपको बुकिंग हो जाएगी, और जब भी ये लॉन्च होता है मे भी 1-2 महीने में हो जाएगा, और आपको अपडेट आ जाएगा मेल पे या जो भी आप रजिस्टर्ड डिटेल देंगे मोबाइल नंबर पे। तो आप और अगर उस समय इसको ऑप्ट करना चाहें, यानी आपका मन कर गया कि छोड़ो नहीं लेना इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं और ये पैसा जो है ये वापस रिफंडेबल हो जाएगा। ओला अपना स्कूटर क्यों लॉन्च कर रही है, इसके पीछे भी देखिए कुछ ना कुछ रीज़न ही होगा। तो हाँ, रिसेंटली में भावेश अग्रवाल CEO जो है हमारे ओला के, उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये बहुत ही जल्दी मार्केट में आ जाएगा, 499 में इसको आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। एक रेवोल्यूशन है इलेक्ट्रिक स्कूटर के फील्ड में, तो इसको कम्पीट हाल फिलहाल TVS की भी है, हीरो की भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आती है, और जो ओला इलेक्ट्रिक का प्राइस रखा गया दोस्तों वो लगभग 1,00,000 रुपये अभी ऑनलाइन अगर आप चेक करते हैं, तो थोड़ा सा अप डाउन होगा, डाउन तो नहीं होगा, अप ही जाएगा। ये जो स्कूटर है दोस्तों, आप लोगों को फुल चार्ज करने के बाद 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक आप इसे रन कर सकते हैं, यानी फुल चार्ज होने के बाद, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका जो इलेक्ट्रिक का कॉस्ट आएगा, अगर आप डेली का 10 किलोमीटर चलते हैं, तो उसका जो लगभग बता रहे हैं वो पूरे साल का जो खर्चा आएगा वो 1,100 से 1,100 का आएगा। वहीं अगर आप नॉर्मल पेट्रोल से चलते हैं तो करीब इसमें काफ़ी आ जाता है, 7-8 हज़ार का खर्चा हो जाता है साल का। तो मतलब इतना वेरियंस आएगा पेट्रोल और इलेक्ट्रिक में, मतलब पेट्रोल में 100 रुपये देंगे तो इलेक्ट्रिक में आप 10 से 15 रुपये में आपका काम चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो स्कूटी का जो लुक है वो काफ़ी डैशिंग सा है, अलग ही आपको दिख रहा होगा कि कोई चाइना की बाइक सी दिख रही है स्कूटर है ये, बट ये ओला ने फ्यूचर देख के ही लॉन्च किया है, और ये आम आदमी के लिए भी है, और साथ ही साथ इसको जो ड्राइवर होंगे या ओला राइडर होंगे, ये हो सकता है कि फुल टाइम हायर करेगी ओला खुद, और वो उनको देगी चलाने के लिए, जिस तरीके से अभी बाइक टैक्सी चल रहा है उसी वो स्कूटर का यूज़ उसी तरीके से होगा। और पूरे भारत में काफ़ी जगह पर इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो बनाया जा रहा है, ऑलमोस्ट जो मेट्रो सिटी है उसमें तो ओबियसली हो गई, ताकि जो राइडर्स काम कर रहे हैं वो भी अपने ऑन स्पॉट चार्ज कर सकें, और जो पर्सनल परचेस करेंगे वो तो अपने घर से भी चार्ज कर सकते हैं। साथ ही इस स्कूटर में दोस्तों कुछ जो इसकी बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ा दिखाया गया है, अगर आप एड्स में देख रहे हो तो उसमें दिखाया गया कि 2-2 छोटे हेलमेट, यानी हाफ फेस हेलमेट आप 2 रख सकते हो इस स्कूटर में। तो बाकी तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना सक्सेस होगा हमारे इंडियन मार्केट में, वो देखने वाली बात होगी।
बाकी यार हम लोगों को देखिए जो लॉन्ग रूट करते हैं राइड करते हैं उनके लिए तो ये नहीं है। हाँ किसी फैमिली पर्पज से ठीक है, लाइक आपके दादा दादी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो अगर चाहते हैं तो इस उनके लिए आप बुक कर सकते हैं। लेडीज कोई भी है उनके लिए आप बुक कर सकते हैं। बुकिंग अमाउंट इज वेरी लो, 499 जो कि रिफंडेबल है। दोस्तों मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के संग शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जल्दी ही यानी कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ओला में कैसे इस समय पे करंटली आप अपनी बाइक स्कूटी अटैच कर सकते हैं। एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, बाइक हो या स्कूटी हो ओला में सब कुछ अटैच हो जाता है, ठीक है। खाली जो बहुत स्पोर्ट्सी बाइक होती है ना वो अटैच नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, जिससे कि मैं मोटिवेट होता हूँ ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए।